जिला परिषद व पंचायत चुनाव में बेहतर रहेगा कांग्रेस का प्रदर्शन। जिला प्रभारी व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कार्यकर्ताओं से मिलकर लिए आवेदन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। राज्य में हुए निकाय चुनाव के बेहतर नतीजे आने से कांग्रेस में हर्ष की लहर है। निकाय चुनाव में भाजपा को हराकर कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाकर सीएम अशोक गहलोत की सरकार के जनहितकारी निर्णयों को स्वीकारा है। इसी तरह जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार पंचायत राज चुनाव 2020 के लिए लगाए गए पर्यवेक्षक राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया ने पंचायत समिति जवाजा के 19 वार्डों का जिला परिषद अजमेर के अंतर्गत आने वाले 4 वार्डों के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जवाजा के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ कांग्रेसजनों और पार्टी की विचारधारा के सरपंचों से रायशुमारी कर जानकारी प्राप्त की। साथ ही जीतने वाले आवेदकों के बारे में भी वरिष्ठ कांग्रेसजनों से मंत्रणा की। प्रमोद जैन भाया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों पंचायत राज संस्थाओं में ग्रामीण विकास के लिए किए गए कार्यों, कोविड-19 में सरकार द्वारा आमजन के हितों के लिए उठाए गए कदमों तथा आने वाले वर्षों में सरकार द्वारा ग्राम विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देकर ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताकर पंचायत समिति जवाजा में कांग्रेस का प्रधान बनाने और अजमेर में पार्टी का जिला प्रमुख बनाने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए संगठित रहने की सीख दी। भाया ने टिकट मिलने वालों को भी नसीहत दी है कि टिकट मिलने के बाद सबको साथ लेकर चलें। भाया ने बताया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर हाल में गांवों का विकास चाहती है। इसी कड़ी में वर्षों बाद पहली बार जवाजा पंचायत समिति में एक साथ 10 नई ग्राम पंचायतें बनाकर अपनी मंशा साफ कर दी है और इसी का परिणाम है कि गत पंचायत राज के सरपंचों और वार्ड पंचों के चुनाव में वर्षों बाद पार्टी की विचारधारा के अधिकतर सरपंच और वार्ड पंच जीतकर आए और प्रदेश में सरकार बनने के बाद से ही आमजन के प्रत्येक कार्य हाथों हाथ करवाकर राहत देने का प्रयास विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है। इस मौके पर कांग्रेस नेता पारस पंच, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, जवाजा के पूर्व अध्यक्ष भगवान सिंह कड़ीवाल, सभापति प्रत्याशी गोविंद पंडित, मेघराज बोरा, आनंद सिंह सुरड़िया सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब से सरकार आई है तब से लेकर अभी तक हमने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, करोड़ों रुपए की पेनल्टी बनी और जहाँ तक अवैध खनन का है तो पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उनके समय ये एक छोटे कोड़े के रूप में विकसित हुआ और उन्हीं के राज में इसने कैंसर का रूप धारण किया। तो जब कैंसर कोई चीज़ बन जाती है तो इसका इलाज करने में समय जरूर लगता है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए काफ़ी सजग है और हमारा विभाग भी पूर्ण रूप से उनकी भावनाओं के अनुरूप सजग है। और जो आपने बताया ब्यावर के बारे में तो आप मुझे लिखित में दें, निश्चित मैं कार्रवाई करूँगा। अधिकारी होंगे, कुछ लोग होंगे, कार्रवाई होगी और अवैध खनन करता हूँ।